कबर मुबारक है। अज मैं उन्होंने कबर से आया और दुआ फातिहा वास्ते और मैं बड़ी खुशी की गल जो मकसद वास्ते इस प्रोग्राम का मैं आगाज किया वो मकसद सिर्फ ये कि साले सवाब किया जाए। मेरी इस वीडियो देख के कोई दोस्त उन्होंने वास्ते साले सवाब कर देवे तो मैं समझता कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया और अलहमदुल्ला मेरिया जितनी भी तीन वीडियो इस तो पहले जा चुकी ने उन्होंने उत्ते जितने लोगों के भी कमेंट्स आए हैं परसनल तौर पर भी और कमेंट्स भी जोड़े आए हैं सारे ने तारक जवेद साहब वास्ते साले सवाब किया गफूर कौडू साहब वास्ते साले सवाब किया अपना चाचे असलम वास्ते साले सवाब किया बाबर जवेद साहब वास्ते साले सवाब किया। तो मेरा मकसद भी सिर्फ यही है सदका जारिया के तौर पर वीडियो बनाने का कि जोड़े साडे सीनियर ने जोड़े साडे वड्डे ने जिन्होंने असी भुल चुके हैं उन्होंने दोबारा जिंदा करिए उन्हें याद ताज़ा हो जाए और उन्होंने वास्ते सारे सवाब हो जाए। आओ जरा तुम कबर दिखा अमजद जवेद साहब की है अमजद जवेद साहब के वालद साहब ने चौरी मुहम्मद अमीन साहब उन्होंने कबर मुबारक है नाल उन्होंने भाई ने आजाद साहब होंगे से उन्होंने कबर और आओ जरा अगे दोस्तों देखना किन्ने ही दुख की गल है कि उन्होंने वालद साहब उन्होंने कबर से मार्बल लगा है माशाल्लाह भाई उन्होंने वड्डा उन्होंने कबर से मार्बल लगा है नबियां दा गरबार बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा सरदार बड़ा सोना दुनिया दया सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा ए दुनिया दया सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा ए पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना सो
रब दी मदीने दा ओ बाजार बना सोना दम दम नाले जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा दम दम नाले जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा रब खुद फरमाया है वो मेरा यार बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना सब दया मदीने दिया हसरत नाल पुछ दिया ने सब दया मदीने दिया हसरत नाल पुछ दिया ने कित्थों लैके आईए ए लाल बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा बाजार बड़ा सोना। तो अमजद वेद साहब माशाल्लाह डायरेक्शन से उन्होंने एक नाम सीगा पंजाब के थिएटर जिथे जिथे भी चलते सन उत्थे अमजद जवेद साहब का ड्रामा ही लगा हुंदा सी और एक वीक दे विच पांच पांच छे छे ड्रामे चलते सी इहदे फेमस डायरैक्टर सन और ऐसे ये ऐसे फेमस डायरैक्टर सन और ऐसे लोग सन कि बहुत बड़े बड़े लोगों को जिहड़ा है इन्होंने अपने ड्रामिया के जरिए मुखारफ कराया और अज माशाल्लाह सुपरस्टार है। तो अमजद जवेद साहब ने शेर ए लाहौर का खिताब भी दिता गया क्योंकि इन्हों के पूरे लाहौर से ड्रामे चलते सन आउटडोर भी चलते सन तो शेरे लाहौर के नाँ तो मुखातब किया जाता है और बड़े ही अच्छे और बड़े नफीस इंसान सन मेरे उस्ताद सन मेरे टीचर सन। अच्छा मैं जितने लोगों ना भी हूँ तक मैं जिन्हें जिन्हें की कबर पर गया मेरा उन्होंने अपना एक खास तलक रहा क्योंकि मेरा कोई उस्ताद है कोई मेरा दोस्त है कोई मेरा शागिर्द है तो मैं समझता कि मैं अपना हक भी अदा करने की कोशिश करा उन्होंने कबर पर जाके उन्होंने वास्ते दुआ फातिहा करा तो जो मेरे देखने वाले जो उन्होंने नहीं याद मैं कहना उन्होंने भी याद आ जाए वो भी उन्होंने वास्ते दवाई मफरत कर शायद किसी एक बंदे की दवाई मफरत के नाल उन्होंने वास्ते बख्शिश का जरिया बन जाए उन्होंने वास्ते साले सवाब हो जाए और अल्लाह पाक उन्होंने जिहड़ी आखिरी मंजिलों ने आसान फरमा और अमजद जवेद साहब 10 मुहर्रम को फौत हुए थी बड़ा मुबारक दिन थी बहुत बड़ा दिन है कायनात के मालकों का दिन है 10 मुहर्रम जिस दिन अमजद जवेद साहब इंतकाल होया अमजद जवेद साहब का और अल्लाह पाक 10 मुहर्रम के सदके अहले बैत के सदके उन्होंने बख्शिश फरमाउन और उन्होंने कबर को जन्नत का बाग बनाउन और अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फरदौस आला मुकाम अता फरमाउन और उन्होंने जो बेटे ने मुजम्मल ना मेरा राबता है और मैं मुजम्मल अगे भी कहवा इस वीडियो के थ्रू के बेटा अमजद साहब की कबर पर आया करो और ख्याल रखा करो तो मैं तो जी इंशाल्लाह कोशिश मेरी होंगी है कि मैं जो अपने दोस्त अहबाब अजीज अकारब ने उन्होंने कबर के फर्दन फर्दन जाकर दुआ खैर करा दवाई मफरत करा असल दवाई मफरत उन्होंने वास्ते नहीं कर रहे अं अपने वास्ते कर रहे हैं क्योंकि कल असी इस मुकाम पर आना है और असी भी इस तरह एक दिन मिट्टी का ढेर होना है तो सानू भी कोई दवावान की जरूरत होनी है तो मैं चाहना कि खैर एक दूसरे वास्ते जाया करो एक दूसरे की कबर से जाया करो एक दूसरे वास्ते दुआ कराया करो जो दोस्त इस दुनिया तो चल जाते हैं जिंदगी उन्होंने हक है लेकिन असल हक जो उन्होंने मरण तो बाद शुरू होंगे दोस्ती का हक उन्होंने जान तो बाद शुरू होंगे कि उन्होंने दोस्त उन्होंने वास्ते लफ्जा ना उन्होंने याद करते हैं किस तरह उन्होंने वास्ते दवाई खैर करते हैं तो मालक मेरी अज की हाजिरी भी कबूल फरमाओ और अल्लाह पाक अमजद जवेद साहब की मकसद फरमाओ और जन्नत च आला मुकाम था आमीन इलाही आमीन।